भी उठा सकता हूँ, सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। और प्रीता लगती क्या है तेरी? हाँ, क्या लगती है प्रीता तेरी? एक मिनट, तुझे क्या करना है? मेरी प्रीता क्या लगती है? तुझे क्या करना है? क्या करेगा, क्या करेगा तू, क्या करेगा? मेरी बात समझ में नहीं आई, प्रीता के नाम पे तू इतना बौखला क्यों जाता है? हाँ, वो ऋषभ, वो तेरा दुश्मन है ना, तो उसका रक्षक बना क्यों फिरता है? हाँ, उसका भक्त बना क्यों फिरता है? और जब मैं प्रीता का नाम देता हूँ तब तब तू ऐसे हाथ उठाता है क्यों? चल निकल यहाँ से, तेरा कमरा नहीं है, प्रीता का कमरा है, दोबारा दिखना मत यहाँ पे। दिखूंगा, एक बार नहीं हजार बार दिखूंगा। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? हाँ, तेरा कमरा नहीं है ना, प्रीता का कमरा है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रीता तो ऋषभ की बीवी है, तेरी क्या लगती है? क्या लगती है तेरी? मुझे क्या करना है? मेरी क्या लगती है मुझे उससे क्या? मत बता, इस चीज को ज्यादा स्ट्रेस नहीं करते आप। सीधा मुद्दे पे आता हूं, तू चुपचाप मुझे मेरे पैसे दे और मुझसे माफी मांग। अगर तू मेरे बदले से बचना चाहता है तो तेरा बदला, तू बदला लेगा मुझसे? हाँ, तुझे क्या लगता है तू मेरे साथ बुरा करेगा मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा? तू बात बात पे मुझ पे हाथ उठाएगा तो मैंने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? सुन, अगर तूने मुझ पे हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। एक बार हाथ उठाया तो मेरे 100 मुक्के लगेंगे तुझे। अगर तूने मुझे परेशान किया ना तो मैं तुझे डबल परेशान करूंगा। और तू मुझे जेल भेजेगा ना तो मैं तुझे पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। सो अर्जुन सूर्यवंशी, अगर तू मेरे बदले से बचना चाहता है तो चुपचाप पैसे दे, माफी मांग और निकाल। मैं ना तेरे गीदड़ धमकियों से डरता नहीं, तो तुझे जो करना है ना वो कर। पक्का? 100%। सोच ले। तुमने क्या कर दिया? जो किया बहुत अच्छा किया, पर जरूरत क्या थी करने की? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी मेरी मदद करो। इसे कार की डिक्की में ले जाना पड़ेगा, चलो जल्दी। कौन क्रेजी? कितना बोलता है तू समझेगा नहीं, एक सरप्राइज है तेरे लिए। अरे मेरी पिटाई करने के लिए आप यहाँ पे मुझे लेके आए हो? कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी? नहीं 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 नहीं, नहीं। अर्जुन तुझे याद है गणेश चतुर्थी पे मैंने तुझे घर पे बुलाया था? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे अपने हाथों से बना खाना खिलाऊंगी। लेकिन उस दिन ना मैं खाना खिला नहीं पाई, सिर्फ बेसन के लड्डू खिलाए तुझे। तो वो उधार है तो आज पूरा कर दो उसे। तुझे कैसे पता कि मैं तुझे यहाँ खाना खिलाने के लिए लाई हूँ? मुझे ऐसे ही लगा। सच सच बता, तुझे कैसे पता कि मैं तुझे यहाँ खाना खिलाने लाई हूँ? अरे भाई आप मॉम हो, मॉम तो मॉम होती है। दुनिया की सारी मॉम जो होती है ना वो बस खाने पिलाने के बारे में ही बातें करती है। वो मैगजीन्स उठा लीजिए। खाने की क्या खुशबू आ रही है, वाह, इतने सारे पकवान, वाह क्या बात है। एक सेकंड, ये आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट खाना है? मतलब कि आपको कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि मेरे पुत्र को भूख लगी है। नहीं भी, पर आपको कैसे कैसे पता लग जाता है? क्योंकि तूने ही तो कहा था कि मॉम मॉम होती है और मॉम सब कुछ जानती है।
जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूं मां एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं आज मेरे भाई ऋषभ का दिल दुखेगा मैं दुखाऊंगा और जैसे ही उसका दिल दुखेगा मेरे पूरे परिवार का दिल दुखेगा और मेरा पूरा परिवार मुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। इस नफरत को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? तुमको पता मेरी मॉम को तो पता भी नहीं है मैं उनका बेटा हूं फिर भी मुझसे इतना प्यार करती है तो अपने हाथ से मुझे खाना खिला रही थी। अर्जुन आज जो तुम करने वाले हो अगर तुम उससे पीछे हटना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तुमसे कि तुम इस वक्त इमोशनल हो और ये बात सच है कि आज तुम जो भी करोगे उसका सीधा असर तुम्हारी फैमिली पर होगा लेकिन ये भी सोचो ना अर्जुन कि जब उन्हें पता चलेगा कि ऋषभ ने तुम्हारे साथ क्या किया है तो उन सबका दिल बदलेगा वो क्या सोचेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि ऋषभ जिसे अपनी जान कहता था उसने उसी की जान ले ली अर्जुन आज अगर तुम जिंदा हो ना तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी कि भगवान ने तुम्हें जिंदा रखा है ना तुम खुद सोचो अर्जुन कि इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जिस दिन तुम नदी में गिरे तुम डूब के मर सकते थे लेकिन उसी वक्त मेरी बहन वहां पर मौजूद थी अर्जुन ये कर्माज है इसे ही कार्मिक कनेक्शन कहते हैं देखो अर्जुन मैं कोई कृष्ण भगवान जी नहीं हूं कि मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम सही हो तुम सच्चे हो अर्जुन और तुमने जो ये सच्चाई की जंग शुरू की है ना अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते तुम्हें लड़ना होगा अर्जुन और ये बात याद रखो कि तुम जिससे लड़ रहे हो वो तुम्हारा भाई होकर भी तुम्हारा दुश्मन है दुश्मन से प्यार मत करो अर्जुन वरना तुम लड़ने से पहले हार जाओगे जो तुमने सोचा है तुम वो करो इस लड़ाई का जो अंजाम तुमने सोचा है उस अंजाम तक ले जाओ उसे मैं समझती हूँ अर्जुन कि ये लड़ाई तुम्हारे अपनों के साथ है लेकिन कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है तुम सही कह रही हो अंजलि अर्जुन पहनना है तो जल्दी जल्दी क्या सोच रहे हो अर्जुन तुम देखो अर्जुन इससे पहले की सृष्टि जो है वो कोलैबोरेशन के लोगो वाला पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगाए हमें अपना पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगाना होगा
सो दैट जब प्रोजेक्टर ऑन हो तब ऋषभ पर हजारों सवाल, हजारों उंगलियां उठे। तू जल्दी दो। अर्जुन क्यों नहीं दे रहे हो तुम पेन ड्राइव? क्या सोच कह रहे हो तुम? एक सेकेंड, कहीं तुम अपना बदला तो नहीं भूल रहे हो? नहीं। अर्जुन सच सच मुझे बताओ, तुमने पेन ड्राइव तो नहीं खो दी है ना? बोलो। ओ गॉड, मैं कार की डिक्की में। अर्जुन और अंजलि, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। तुम घुटना है मेरा यहां पर। थोड़ी देर और रहना तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मिस्टर गॉड बचा लो, प्लीज बचा लो। अटैक के बाद मैं बीमार हो गई थी, तुम कैसे जानते हो? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने अभी कहा ना 2019 की तरह मैं उस अटैक के बाद जैसे बीमार हो गई थी। तुम्हें कैसे पता कि मैं बीमार हो गई थी? करण, करण को पता थी ये बात। मिस्टर करण, इन आतंकवादियों को पकड़वाने में आपने हमारी बहुत मदद की। थैंक्स बाबा। करण को पता थी, लेकिन सिर्फ करण को ही पता थी। हम दोनों के अलावा हमने किसी को नहीं बताया कि मुझे इतनी तेज बुखार। तुम कैसे जानते हो? मैं ये जानना चाहती हूँ। बताओ अर्जुन, ये बात तुम्हें कैसे पता? जो बात मेरे और करण के अलावा कोई नहीं जानता, वो तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बताई? तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचान पाए तुम मुझे प्रीता? क्यों नहीं पहचान पाए? पहचान नहीं पाए। कहना क्या चाहते? कौन हो तुम? बताओ मुझे कौन हो तुम? क्या कहना चाहते? तुम्हारा क्या मतलब है? पहचान नहीं पाई? बोलो, ऐसा क्यों कहा तुमने? कौन हो तुम? मैं कैसे पहचान नहीं पाई? जल्दी बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में पता करने के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है? जब मैंने करण के बैट बॉल का एग्जीबिशन रखा था ना, उसमें मैंने उसकी जिंदगी के कई पन्ने खोले थे। उसमें से एक पन्ना टेररिस्ट अटैक का भी था, जिसमें तुम्हें चोट लगी थी और तुम बीमार पड़ गई थी। और ये बात करण ने अपने कोच शिव को बताई थी। समझी तुम? तुम्हें क्या लगा प्रीता मैं तुम्हारा करण हूं? करण
कश्यप से शादी इसलिए की थी ये सोच के कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और उसने मुझ जैसी अच्छी लड़की को छोड़ के उस गंदी प्रीता से शादी कर ली। देखो मुझी, मेरा दिन ना ऑलरेडी बहुत खराब जा रहा है, मतलब वहां पे वो ऋषभ चिल्ला रहा है, मतलब वो डरा रहा है, और यहाँ पे आप डरा रहे हो। प्लीज मुझे मेरा फोन ढूंढ ले दो और फिर यहाँ से जाने दो, मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे मूर्खों की महारानी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पुन्नू बेबी हूँ और मुझे बाहर निकालो। पृथ्वी, ये तो पृथ्वी की आवाज है। देखो मुझे ना बहुत डर लग रहा है भूजी, अगर तुम मेरे पुन्नू बेबी हो तो ये गाड़ी को हिलाना बंद करो। गाड़ी हिली बंद हो गई। अच्छा मुझे एक और हिंट दो, अगर तुम मेरे पुन्नू बेबी हो तो दो गाड़ी को हिलाओ वापस। ये तो मेरा पुन्नू बेबी खराब तो नहीं हो गया? ये कहाँ चली गई? इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? कमाल है यार, डिक्की खोलने में कोई इतना टाइम लगाता है क्या? कुछ पूछो, आया ना मैं जवाब दो। मेरा जवाब हाँ है। सवाल तो सुन लो, मेरे जवाब के हिसाब से सवाल बना लो अपने। हम आदमी बहुत अजीब हो यार। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये सवाल तो मैं खुद भी अपने आप से पूछ रहा हूँ। मैं भी नहीं जानता कि मैं इतना अजीब क्यों। यू नो व्हाट, मन जानता है, दिमाग जानता है, पर एक कमबख्त दिल नहीं जानता। एक बार किसी से प्यार हो जाए, एक बार उस पर विश्वास हो जाए, तो बस वो कर लेता है। फिर चाहे वो आपका कातिल ही क्यों ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऋषभ, प्यार जो है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आसान नहीं। छोड़ो उसे। एनीवेज अगर तुम्हें मुझ पे किसी बात का शक है, तो वो शक बिल्कुल सही है, दादू, ये अंजलि और अर्जुन में चक्कर क्या है? चक्कर नहीं दादू, चक्र है, चक्र। भाई बहन वाला चक्र, रक्षाबंधन वाला चक्र। ऐसा मुझे सपना आया था कि ये लोग भाई बहन है। ये दोनों तो भाई बहन लगते नहीं, लेकिन सृष्टि को अर्जुन की बहन पक्का बना देना चाहिए। इस लव गुरु पे कोई भरोसा नहीं है। सृष्टि, क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? तुम मुझे बोलो क्या हुआ। जब भी मैं प्रीता के बारे में बात करता हूँ तुम इतनी अपसेट क्यों हो जाती हो? तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाते हो कि प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं तो कभी नहीं भूलती कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। किसने क्या किया? सॉरी इफ आई डिस्टर्ब। ऋषभ जी, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना। कैरो के सामने कहूँ ऐसी बात नहीं है, प्लीज चलिए ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, ओके। ये क्या? हाथ छोड़ो ऋषभ का। क्यों छोड़ू? क्योंकि मैंने हाथ पकड़ा है। कितना पसीना आ रहा है भाई को। आ रहा है, भाई फायदा भी। आपको याद है उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि मेरी उम्र हो गई है? रॉन्ग भाई, उम्र आपकी हो गई है। इतना थोड़ा डांस किया और इतना सारा पसीना आ रहा है। मम्मी समझा लो अपनी बेटी को, ये मेरी उम्र की बात कर रही है। खबरदार करीना, मेरे बेटे की उम्र की बात मत करना। कितना हैंडसम है, गबरू जवान लगता है अभी भी। बाय द वे मॉम, मैं भी आप ही की बेटी हूँ, और ये आप मजाक कर रहे थे ना? नहीं। अच्छा
आप लोग ना क्यों मामा जी का मजाक उड़ा रहे हो? आदर, आई एम टेलिंग यू कि मेरे मामा जी जैसा हैंडसम, कूल और इतना अमेजिंग डांसर कोई है ही नहीं. ही इज एवरग्रीन. ये है मेरी असली भांजी. ओहो, कृतिका तू बिल्कुल सही कह रही है पुत्र. तेरे मामा जी तो आज भी बहुत हैंडसम है और बेस्ट डांसर भी है. महिषी, आप थक गए हैं ना? मैं आपके लिए नैपकिन ले आती हूँ. नहीं नहीं, नैपकिन. पसीना जो आ रहा है. नैपकिन. ऐसे अनजान मत बनो. हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारा राज खुल चुका है. तुमने हमसे बहुत सारी बातें छुपाई. तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चली. समझ गया. क्या समझे तुम? यही कि मैं अर्जुन सूर्यवंशी ने पृथ्वी को मार मार के उसका भर्ता बना दिया. करेक्ट? क्या ये कहा उसने? उसने ये कहा कि तुम लोगों के पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों में से हो. करेक्ट. उसके बाद तुमने उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया. अरे हमें क्यों नहीं बताया यार? क्या प्रॉब्लम क्या थी? बता देते. हम सॉरी, वो उस वक्त समझ में नहीं आया मेरे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. आई मीन, व्हाट डू यू मीन? तुमको डेफिनेटली सॉरी फील करना चाहिए. तो तुम्हारी सॉरी से होगा क्या? सिचुएशन को रिवर्स कर दोगे? डैमेज इज ऑलरेडी डन. तुमने उसको मारा कहां पर? सर पे. अगर उसको कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? तुमने ये सोचा है? कौन छुड़ाता तुमको? Well, ऐसी गलतियां करने में तो तुमने मास्टर्स डिग्री ली हुई है ना? मिसेस लूथरा, अगर तुम जजमेंट ना पास करो ना तो बेहतर होगा. बाकी इनमें से कोई कुछ भी कहेगा मैं सुन लूंगा. सिर्फ सुनो नहीं, उसको समझो. तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं. और आइंदा से अगर कुछ ऐसा होगा ना तो हमको आके बताना, हम लोग उससे डील करेंगे यार. तुम्हें डील करने की जरूरत नहीं इस तरीके से. हाँ, हम कर लेते और हमने कर भी लिया. पृथ्वी तुम्हारे बारे में इतनी बकवास किया ना अर्जुन कि हमने उसे पैक कर दिया. क्या पैक कर दिया? सैमी रुको एक मिनट. आप बिना डरे, बिना हिचकिचाए जो भी आपके दिल में है ना, आप मुझे कह सकते हैं. ऋषभ जी, अब एक ही बात को बार बार कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन अभी भी मैं अर्जुन को लेके बहुत ज्यादा अनश्योर हूँ. आई नो आपने जो बिजनेस के लिए डिसीजन लिया है वो आपने सब कुछ देख समझ कर ही लिया होगा, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आज भी मुझे अर्जुन सूर्यवंशी से बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है. ऐसा लगता है जैसे उसकी वजह से कुछ तो गलत होने वाला है. और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि पृथ्वी ने उसके अगेंस्ट बोला. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं पृथ्वी की बातों पर विश्वास कभी नहीं करूँगी. लेकिन जो अर्जुन के लिए मेरे दिमाग में डाउट था ना, वो जरूर यकीन बनता जा रहा है. आप मेरी दोस्त पहले हैं और उसके बाद कोई और रिश्ता था, इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कदर करता हूँ. मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो आप बोल रही हैं वो गलत है, वो एग्जिस्ट नहीं करता. पर मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं. हो सकता है इतना बुरा ना हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वो इतना भी अच्छा नहीं है. ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ अगेंस्ट हमारे करेगा. आई नो कि फैमिली में सब लोग उसे करण की तरह मानते हैं, इसलिए ये जो उसकी ये सब बातें हैं ना, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. आप भी ओवरलुक कर रहे हैं, पर मैं समझ सकती हूँ. ऋषभ लूथरा को लगता है कि मैं उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करने के लिए आया हूँ. बड़ा भाई भाई बोलता है मुझे.
ऐसा लगता है कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना छोटा भाई कंसिडर करता है मुझे। भाई का मतलब भी पता है इसे, भाई बनने के लायक नहीं है। आज की रात में उसे जब मैं बात करूंगा। ऐसा ही होगा अर्जुन, आज की रात ऋषभ की खुशियों की आखिरी रात होगी। बस एक बार पेन ड्राइव की फुटेज प्रोजेक्टर पे चल जाएगा, उसके बाद ऋषभ लूथरा की जिंदगी बर्बाद। इस कदर बर्बाद करूंगा ना उसे, तबाह हो जाएगी उसकी जिंदगी। देखना इस पार्टी के बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा वो। अर्जुन अगर तुम बुरा ना मानो तो जो हमने सोचा है पार्टी के बाद करने का, क्या हम उसे स्किप कर दें? क्या नहीं, मेरा मतलब है हम जो पार्टी के बाद करने वाले हैं उसके बाद ऋषभ की लाइफ तो तबाह हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसका असर पूरे लूथरा परिवार पर होगा। मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ। तुम पागल हो गई अंजलि, ये क्या कह रही हो तुम? तुम ही थी ना वो जो हर वक्त मुझे सपोर्ट करती आई है कि मैं पीछे नहीं हटूं, और तुम ही ये कह रही हो अभी मुझे। अंजलि हम लोग अपनी मंजिल के सामने हैं, मैं अभी मंजिल से भी पलट नहीं सकता। बहुत मनाया मैंने अपने आप को अंजलि ये कदम उठाने से पहले, प्लीज मेरे कदम को डगमगाने मत दो। मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ऋषभ लूथरा की जिंदगी को बर्बाद करूंगा, मतलब करूंगा। There's no looking back now. Okay. Relax. प्रीता, उधर मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ। शुरुआत से लेके आज तक तुम्हें मैंने बहू नहीं बेटी माना है, और ये बात मेरा मतलब है तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अर्जुन को इतना नापसंद क्यों करती हो। इसके पीछे मैं जानती हूँ कोई वजह तो जरूर होगी जो सिर्फ तुम जानती हो, लेकिन तुम ये भी जानती होगी कि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, बेटे जैसा प्यार। मैंने तो अर्जुन को अपना बेटा मान लिया है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारी ये अर्जुन के लिए नफरत मुझे समझ में नहीं आ रही। मैम, समझ सकती हूँ राखी माँ के आप क्या कहना चाहते हैं, मैं आपकी फीलिंग्स भी अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन कुछ नहीं प्रीता, लेकिन के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। मुझे बस इतना लगता है कि तुम अर्जुन को लेके ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और मेरी बात मानो, जितना सोचोगी ना उतने गलत विचार आएंगे उसके बारे में। मैं माँ हूँ, जिंदगी का अनुभव तुमसे ज्यादा मुझे है। सही गलत अच्छा बुरा इन सब में फर्क करना आता है मुझे। आज तक मैंने कभी किसी इंसान को समझने में गलती नहीं की। इस बार भी मेरा दिल कहता है कि अर्जुन एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक लड़का है। तुम्हारी ये नफरत अर्जुन के लिए मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये सब गलतफहमी जो तेरे दिल में है ना उसे भूल जा। राखी माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत मासूम हो, और मैं क्या हुआ आपको? कुछ भी तो नहीं? झूठ मत बोलिए, आपका चेहरा पढ़ सकता हूं मैं कि आपको किसी बात से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो मुझसे तो झूठ बोलिए मत आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। ओ, अब समझा मैं। प्रीता मेरे बारे में डेफिनेटली कुछ कह रही होगी, आपको अच्छा नहीं लगा होगा वो। अब यू गुड सर, गुड टू सी यू, कम विल हैव ड्रिंक। यस, आई विल सर्व मायसेल्फ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मुझे तो आना ही था सर, मुझे आपको वो बताना है जो आप नहीं जानते हैं। क्या? मार्केट में क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके कोलैबोरेशन के बारे में। क्या? कि अर्जुन सर के साथ आपकी कोलैबोरेशन सही नहीं है। आजकल तुम सोशल मीडिया पे बहुत रहते हो साहिल, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे।
लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते हम। लेकिन सर लोगों किसी की को बिना देखे जाने आप किसी के बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं? क्या लोगों ने मुझे देखा, मुझे जाना? अर्जुन को तो बिल्कुल नहीं देखा, तो फिर हम दोनों को साथ में कैसे देख सकते हैं? हम दोनों के साथ में देख के एक दूसरे के बारे में जजमेंट कैसे बना सकते हैं? लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे उसके ऊपर भरोसा है, और आई थिंक उतना काफी है। लेकिन सर लोगों की बातों में कुछ तो दम है। आपको पता है कि अर्जुन आपके बारे में क्या सोचता है, लोगों को क्या बताता है? वो एक कहावत है ना, अपने दुश्मन को अपने सबसे ज्यादा करीब रखो। बिजनेस में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, बिजनेस दिमाग से होता है। कोई बात नहीं, जो कहता है कहने दो। It was just a sense of humor. I won't have anything. But sir, मैं तो सिर्फ आपको लोगों की बातें बता सकता हूँ, लेकिन आपकी सोच नहीं बता। आज मैंने अपने भाई सैमी को हग किया, मेरे दिल ने महसूस किया वो मुझे कितना मिस करता है। I wish मैं उसे बता पाता कि मैं ही उसका करण भाई हूँ। ये वक्त भी कैसा कैसा वक्त दिखाता है। आखिर चाहते क्या हो तुम? हाँ तुम्हें देखकर कुछ तो अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो वो आज करोगे या नहीं? यही जिंदगी दे लोरी, यही जिंदगी जगाए, यही लाती है अंधेरे, यही रोशनी भी लाए, यही जख्म जख्म कर दे और यही मरहम लगाए। हर पल यहां नया समा, नए जमीन, नए आसमां है, कभी तो है नर्म हवा और वक्त आ गया है पुराने वक्त का असली चेहरा सबको दिखाने का। गाइस गाइस गाइस, कैन आई हैव योर अटेंशन हियर प्लीज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप सभी इस पार्टी में आए और आप सभी को सृष्टि का ये डेकोर इतना पसंद आया। हाय, स्माइल करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। आई मीन, आप लोगों ने किसी भी कॉर्पोरेट पार्टी में देखा है कि सब लोग एक साथ स्माइल कर रहे हो? मैंने तो पहली बार देखा है। तो ये चमत्कार किसकी वजह से हुआ है? सृष्टि, सृष्टि अरोड़ा लूजर, थैंक यू ऋषभ जी। आई लव माई फैमिली एंड आई लव यू ऑल टू, लेकिन आप लोगों का अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ। तो अब वक्त आ चुका है कि हम जिसके लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए पार्टी थ्रो की है, वो आपको दिखाया जाए। तो बस अब कुछ ही देर में आप लोगों के सामने कोलैबोरेशन का लोगो, उनकी डिटेल्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लूथराज एंड सूर्यवंशी। मनीष रुको, नहीं अर्जुन अभी मत रुको, अभी तुम्हें नहीं रुकना चाहिए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। हाय गाइस, हाल फिलहाल मैं इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन पाया हूँ और इस फैमिली से मैंने यही जाना है कि लूथराज अपनी बहुओं को और बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं।
आखिर तुम आ ही गए। चलो जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकालू। तुम लोग यहीं रहने के लायक हो? क्यों चले गए थे लुथराउस? तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, तुम लुथराउस चले गए, हमें डबल पैसा कमाना। इसलिए लुथराउस पहुंच गए और सीधा पकड़े भी गए। पहले ये बताओ कि तुम्हारे और लुथरा की फैमिली के बीच चल क्या रहा है? कल तुम उसकी पार्टी में इंजॉय कर रहे थे, तुमने ऋषभ लुथरा को मारने की धमकी भी दी थी। तुम लोग चाहे किसी को कुछ भी बोल लो मेरे बारे में, कोई तुम पर यकीन नहीं करने वाला। एक सेकेंड, ये वीडियो नकली है। मॉफ्ट है ये वीडियो, इसमें अर्जुन दिखाई दे रहा है लेकिन ये अर्जुन नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। इस वीडियो में ये जो अर्जुन दिख रहा है वो मॉफ्ट है। ओके, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पृथ्वी मल्होत्रा, मैं भी मॉफ्ट हूँ। मैं पृथ्वी मल्होत्रा नहीं हूँ, मैं ऋतिक रोशन हूँ, है ना। अब मैं और दो लोगों को बुलाता हूँ। ये दोनों कौन है? ये वही गुंडे हैं जो इसके साथ वीडियो में दिख रहे हैं। क्या ये दोनों भी मॉफ्ड है? पृथ्वी सही कह रहा है, अर्जुन सूर्यवंशी ने ऋषभ लूथरा को चोट पहुंचाने के लिए हमें सिफारिश दी थी।